क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, और रिलेटिव परमिटिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई, और उसके नीचे एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ पर ई आर होता है। रिलेटिव परमिटिविटी को हम ई आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों सेम ही है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है और इनका फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी एक ही है, लेकिन उनके अलग अलग नाम आपकी बुक में दिए हुए हैं, जिसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे रिलेटिव परमिटिविटी को ई आर रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ अ रेशो, यह एक रेशो है, मतलब कि ऐसा रेशो है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ई एम, मतलब जो ई एम लिखा है ना वह एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब एम मतलब मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मैंने यहाँ से ई नॉट से लिखा है, जीरो मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं तो मतलब फ्री स्पेस है, तो इसलिए मैंने इसको ई नॉट से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई हो कि रेशो है किसका, हमारे मीडियम से फ्री स्पेस का। उसी मीडियम उसी रेशो को हम क्या कहते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और उसका दूसरा नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी से भी उसको जाना जाता है। अब देखते हैं उसका जो फार्मूला है उसे कैसे ड्राइव किया, कैसे यह फार्मूला है इसका, ये वाला इसका फार्मूला है। के से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो के इज इक्वल टू ई आर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों एक ही हैं, बस इनका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। इसका फार्मूला होता है ई एम अपॉन ई नॉट, मतलब कि मीडियम अपॉन फ्री स्पेस। अब देखते हैं इस फार्मूले को ड्राइव कैसे किया है, कैसे ड्राइव किया है। ये आपके एग्ज़ाम में तो नहीं आता है, लेकिन फिजिक्स में पता होना चाहिए कि फार्मूला आया तो आया कैसे। तो उसको देख लेते हैं कि कैसे ये फार्मूला बनता है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, इन अ एयर एंड फ्री वैक्यूम, इन अ एयर और वैक्यूम की यहाँ पर बात चल रही है, तो मैंने इसे जीरो यानी कि नॉट से रिप्रेजेंट किया है। तो एफ जीरो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, आपको इतना तो पता होगा फार्मूला, बस यहाँ पर एफ नॉट रखा है, मतलब ये फ्री स्पेस की वैल्यू हमारी। वहीं पर इन मीडियम, मतलब अब मैंने मीडियम के लिए रखा है, तो एफ एम लिख दूंगा, मतलब एम मतलब मीडियम के लिए, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये दोनों मैंने वैल्यू निकाल दी हैं। अब इनको क्या करेंगे, अब देखिए सिंपल यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन वन है और इक्वेशन टू है, यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन वन एंड टू। अब वन से टू को डिवाइड कर देंगे, देखिए कैसे करेंगे। तो यहां पर लिख देंगे एफ नॉट अपॉन एफ एम, यहां पर क्या जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ आप एक काम और कर सकते हैं, एफ एम मतलब कि मीडियम के लिए वैल्यू है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लेंगे, ई एम लेंगे, ई एम लेंगे, ठीक है। तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके अपॉन में इसको कर देंगे अपन, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन ई एम, मीडियम के लिए है क्योंकि ये वैल्यू हमारी, क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर वन अपॉन फोर पाई, वन अपॉन फोर पाई मतलब दोनों में सेम है, तो वन अपॉन फोर पाई और वन अपॉन फोर पाई कट सकता है और कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट और वन अपॉन ई एम, ये वैल्यू बच, क्योंकि देखिए क्यू वन क्यू टू अपन आर एस का, क्यू वन क्यू टू अपन आर एस का, मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और वन अपॉन फोर पाई और वन अपॉन फोर पाई ये भी कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये भी हमारे कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, बचा कितना, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट और वन अपॉन एप्सिलॉन एम। अब देखिए ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो मतलब कि आप मैथ में जानते होंगे कि यदि ऐसा दिया हो टू थ्री वन टू, तो वैल्यू कैसा होती है, ये पलट जाता है, मतलब कि अब ये ऐसा हो जाएगा टू थ्री इंटू, अब ये ऊपर चला जाएगा अपना टू और वन, तो ऐसा कुछ ये
हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिजिट होती है ना जो नीचे वाली, वो पलट के पलट जाती है। तो अब ये कैसा होगा, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ जीरो एफ एम, तो हमारा ई एम ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। तो ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। इस तरह से हम इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, और ये मैंने करके बता दिया किस तरह से इस फॉर्मूले को हमने ड्राइव किया। तो ये स्पेस कम था इसलिए मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर करके लिख दिया। आप इसे सिंपल एक पेज में लिखिएगा तो आप ये फॉर्मूला अच्छा लगेगा देखने में भी। यहाँ स्पेस की कमी इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया। तो समझ में आपको आया होगा कि हमारा रिलेटिव परमिटिविटी और डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट एक ही होते हैं, उनका फॉर्मूला एप्सिलॉन ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और इस तरह हम एयर और वैक्यूम के लिए यहाँ पर ई नॉट लिखते हैं, और इन मीडियम में हम यहाँ पर ई एम लिखते हैं। ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिख दिया था लेकिन यहाँ पर ई एम लिखते हैं। उसके बाद ये फार्मूला ड्राइव कर दिया, ये हमने फार्मूले को ड्राइव कर दिया। तो आपको समझ में आया होगा रिलेटिव परमिटिविटी एंड डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक शायद हमारा सुपर पोजिशन है, तो उसको देखते हैं।